खबर अलवर से। अलवर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज योगोत्सव के रूप में गांधी स्वास्थ्य सदन समिति की ओर से पुराने सूचना केंद्र में योग दिवस मनाया गया। योग सत्र में योग की निरंतरता, योग का महत्व, योग के समुचित लाभ एवं योग को जीवन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से योगिक क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, व्याख्यान का आयोजन किया गया। गांधी स्वास्थ्य सदन समिति मंत्री ने भी आज योग दिवस के अवसर पर अपने विचार रखे। केंद्र में किस तरह का आयोजन किया गया है योग दिवस? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हर साल मनाया जाता है। 2015 से ही यहाँ मनाते हुए आ रहे हैं। इस बार भी पिछले सत्र की तरह हमने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपनी पूरी टीम के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट किया है, मनाया है। अभी कौन कौन यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ कार्यक्रम में आए? यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं और उत्कर्ष द्विवेदी जी भी हैं और डॉक्टर के खंडेलवाल हैं, विनीत चौहान हैं, तो ये सब लोग मुख्य अतिथि यहाँ पे हैं। लगभग कितने लोगों ने यहाँ आपके योग शिविर में भाग लिया? लगभग 200 से 250 लोग होंगे। किस तरह के उनको शिविर के बारे में बताया गया है, योग के बारे में? योग, आसन, प्राणायाम आदि के माध्यम से वो अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में उनको बताया गया। अभी भी व्याख्यान चलेगा हमारा, और भी आगे के कार्यक्रम अभी हैं यहाँ पे जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताएंगे यहाँ पे। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा योगाचार्य हूँ और राजस्थान का नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन में, राजस्थान योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन का सेक्रेटरी भी हूँ। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए इंडिया न्यूज 64 पर।